नमस्कार, आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले निर्धारित कुछ प्रमुख समाचारों पर। पुरातीन शिक्षा समिति ने बैसाखी पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। श्रेष्ठ विहार में एडवोकेट अनीता गुप्ता ने स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। बाल वाटिका स्कूल ने स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया। शशि मंदिर स्कूल ने स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहां हिंदी अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281-23-22। Great Way Men's Wear, specialist in gents suit and safari suit, ready-made garments, tailors and drapers. Pata, Main Hanuman Road, East Road, Ashnagar, Shahdara, Delhi 32. Phone 2211-8807, 2257-4882. अब खबरें विस्तार से। पुरातीन शिक्षा समिति ने बैसाखी पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। पेश है दीपा की रिपोर्ट। ये हमारे इस कार्यक्रम में, प्राचीन शिक्षा समिति के कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी आज हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बड़े गर्व का विषय है और बड़े हर्ष का विषय है, जिनको जिनकी इंतजार बड़े ही दिनों से कर रहे थे हम कि हमारे बीच में आए, वो आज हमारे बीच में साक्षात बैठे हुए हैं। उनके विषय में मैंने दो पंक्ति लिखी है, कृपया शांत होकर आप सुनिए उनके भाव, कोई शोर नहीं मचाएगा। बैसाखी के शुभ अवसर पर मनोज तिवारी जी सांसद को समर्पित अभिनंदन पत्र। बैसाखी के शुभ अवसर पर मनोज जी का करते अभिनंदन, तुम हो सतायु नि
वंदन, प्रभु से ऐसा करते वंदन। निश्चल जीवन कार्य कुशलता, जनता के तुम प्यारे हो, जन जन के करके सेवा, भारत के बने सितारे हो, भारत के बने सितारे हो। फिल्म प्रसिद्धि सुनिए, फिल्म प्रसिद्धि, प्रसिद्ध गायक क्या सुरभित सुर पाया है, सभी को हर भारतवासी ने दिल में आग बिठाया है। और सद्भावना समिति के अध्यक्ष भैया भैया मैं सुधीर चौधरी जी से भी मैं निवेदन करूंगा, और माइक दोनों ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। और आपने, मैंने पहली बार ये पूरा चीन देखा है, प्राचीन और पुरातत्व तो मैंने सुना था मनोज जी, प्राचीन और पुरातत्व तो मैंने सुना था, लेकिन पुराचीन मैंने पहली बार सुना है। शायद मोदी जी भी पूरा चीन को नहीं ला पाए और धन प्रकाश जी चीन को यहां ले आए। धन प्रकाश जी के लिए जोरदार ताली बजाओ दोस्तों। और कहना चाहता हूं कि बिना मल्ला के किसी का मोल नहीं, त्रिपाल जी के बिना मल्ला के किसी का मोल नहीं और बिना सुगंध के फूल का मोल नहीं। मोल तो है सही सोच का, सही दृष्टिकोण का, मल्ला और किसी के लिए दोनों छोर का। और बच्चा देखो फूल का गुलदस्ता लेकर आ रहा है, ये आप सबकी तरफ से गुलदस्ता लेगा। सांसद जी बेटा लिया, शाबाश लिया लिया। हाँ अच्छा, माँ से पूछ के लाएगा, देखाऊंगा देखाऊंगा, सभी फूल प्यारे हैं। हाँ तो बात कहता हूं के नेत्र चिकित्सा और मुफ्त में है। माननीय सांसद जी का जो काफी संख्या में यहाँ उपस्थित है। हम समझाने आए हैं, ये बतलाने आए हैं।
जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर आर एस डबासी, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से? आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, C89A मंडावली फाजिलपुर, IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092, लैंडलाइन 011-2247-7950, मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Break ke baad aapka swagat hai. Shreshth Vihar mein advocate Anita Gupta ne swasthya jaanch shivir ka aayojan kiya, jisme kaafi sankhya mein gamanya vyakti upasthit the. Pesh hai Shubham ki report. तो क्या अनीता जी या आपकी संस्था उसमें कुछ सहायता करेगी या उस पेशेंट को अपना भी करना पड़ेगा जो खर्चा हुआ हॉस्पिटल का?
आज मुझे ऑपरेशन कराना है तो क्या ऑपरेशन में ऑपरेशन फीस 8,300 मिलियन में 8 से 20,000 तक है तो क्या उसमें पैसे देगी या खुद पेशेंट को कराना पड़ेगा? अभी ऐसे है क्योंकि अभी ये संस्था मेरे ख्याल से 1.5 साल हुआ है तो इसमें फंडिंग को भी हमें नजरअंदाजी करना चाहिए। फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो फंडिंग हो रही है इनमें आ रही है तो वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कितने नंबर हमारे पास आए हैं जो कि पेशेंट है और कितनों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कितने फंड्स को हम एलोकेट कर सकते हैं। सर ऐसे कैंप को क्या फायदा है? जो गरीब व्यक्ति आया है जो 8-10 हज़ार नहीं दे पाएगा तो क्या फायदा ऐसे कैंप का आयोजन करने का? क्यों नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? बहुत सी संस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराती हैं। 10 पेशेंट हैं, 15 पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन कराना है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आज वाले टाइम में यह भी पॉसिबल है। अभी देखिए संस्था जब बढ़ती है आगे चलती है लोगों का विश्वास बढ़ता है तो चैरिटेबल है। चैरिटेबल में भी देखिए फंड जब दिल से उठाते हैं जब लोग देते हैं तो उसके बाद भी हमारा जो है काम लाभ हम कर सकते हैं। आई चैनल कैमरा क्यों मन में आई कि मुझे ऐसे कैमरों का आयोजन करना चाहिए? एक्चुअली यहाँ पर दिल्ली में कई जगह झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर कि लोगों को बहुत मुश्किल होती है, उनके पास फंड्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो चेकअप भी नहीं करवा पाते। तो हम लोगों ने इसीलिए इस इलाके में था सामने जे जे कॉलोनी की झुग्गियाँ हैं उसके सामने ये कैंप लगाया है जहाँ पर कि फ्री आई चेकअप हो रहा है, आई की मेडिसिन फ्री है, साथ में हमने एक फिजिशियन डॉक्टर बी डी गुप्ता बुलाए हुए हैं वो चेकअप भी कर रहे हैं और जिन जिन दवाइयों की जरूरत हो रही है वो फ्री अपनी तरफ से दवाइयाँ लाए हैं वो पेशेंट को दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने दो चीज़ें और रखी है। एक हमने रखा है आई डोनेशन। तो जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो जो मरने के बाद जीना चाहता हो वो सबसे सही तरीका है कि आप अपने पूरे शरीर का दान कर दें। उसके लिए एक तो हमने गरीबी संस्थान से बंदे आए थे जिन्होंने की आई डोनेशन के फॉर्म भर रहे हैं और उन्होंने फुल बॉडी डोनेशन के फॉर्म भरे हैं। आज हमारी तरफ से कम 6-7 लोगों ने अब तक फुल बॉडी डोनेशन के फॉर्म भर दिए हैं, यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो कि कभी भी मर नहीं सकते। तो क्या आपने भी अपना बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरा है? मैंने सबसे पहले मैंने यही फॉर्म भरा। आज मेरा जन्मदिन भी था तो मेरी सोच ये थी कि मेरे को जन्मदिन पे ऐसा कुछ करना है कि ये सिर्फ जन्मदिन आखिरी ना हो, मतलब ये हमेशा मैं अमर रहूँ, जिसका सिर्फ एक तरीका है कि मैं अपने फुल बॉडी को डोनेट करूँ। यानी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे, अगर मेरी बॉडी पार्ट 10 लोगों के पास जाते हैं तो मेरे मरने के बाद कम से कम मेरे बच्चों के पास 10 माँ मिल जाए और वो 10 लोगों को, मतलब मैं कभी भी ना मर दूँ। तो आपने आपने अपने पति देव और बच्चों को कैसे मनाया? क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया? उन्होंने आपने करना है पिताजी आपको ये डोनेट नहीं करना है क्या? उनके मना नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने सबसे पहले मैंने फॉर्म भरा, दूसरा मेरे हस्बैंड ने भरा, वो मेरे से इंस्पायर में उनको भी यही लगा कि नहीं हम अगर अपने जिंदगी में कुछ कर सकते हैं जीते जी तो हमने बहुत कुछ किया, कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं मदद, लेकिन मरने के बाद भी हमने बहुत कुछ करना है। तो मरने के बाद सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को डोनेट कर दें और जिस जिसको जरूरत हो जितने लोगों को वो हमारे बॉडी पार्ट यूज करें और उससे अपनी नई जिंदगी जिए। यानी आंखें, जो बंदा जिंदगी भर जिसने कुछ नहीं देखा अगर उसको हमारी आंखें मिल जाएंगी तो शायद इससे अच्छा हमारा काम कोई और नहीं है। कैसा महसूस हो रहा है? हर टाइप का आदमी आ रहा है। जैसे उनकी 10% जो आई हॉस्पिटल छूट रहा है जैसे 500 बाकी जो ऑपरेशन होना है वहाँ तो 10% छूट हो सकता है। इसमें एनजीओ को ज्यादा करेंगे अभी बात करें अभी फंडिंग का चक्कर है और मेरी जो भावन छो मैं अपने जो हमें
कहाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए के बगाड़ का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Dev Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great combo. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 228-31594. Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school, learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competition. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajupur, Shahadra, Delhi 32. Break ke baad aapka fir se swagat hai. Mantra Pass ke Bal Vatika School ne गोपाल वाटिका में स्कूल का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया। पेश है झलक। हेलो हेलो राजीव सक्सेना जी, आइए, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपने सबको बुलाया। मेरे साथ चंटी भाई यहाँ हैं, सुरेंद्र पंचाल साहब कॉरपोरेशन के मेंबर, और आपके साथ जो हमें बुलाने आए थे जाकिर भाई जो कॉरपोरेशन के मेंबर भी हैं, विधानसभा का चुनाव भी दो बार लड़ चुके हैं और अब फिर इनका चुनाव आ रहा है। एक लंबा इनका रास्ता राजनीतिक सफर है। आदरणीय बेगराज जी, दो बार ताली बजाते हैं, चाहते हैं हम भी जिनका स्वागत कर रहे हैं लोगों का, एक बार जोरदार ताली।
सर एक मिनट। बाल वाटिका एजुकेशन सोसाइटी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एनुअल प्रमोशन कर रही है। ये इनका बड़प्पन है, महानता है जो हम जैसे मीडिया के व्यक्ति को इनवाइट करते हैं और सम्मान करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है सक्सेना ने, राजीव सक्सेना मुझे 15 साल से कम 15 साल मुझे हो गए यहाँ आते हुए, मुझे पूछते भी हैं और सम्मान करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, ऐसे व्यक्ति समाज में होने चाहिए जो सबको पूछे और सबका सम्मान करें। धन्यवाद। प्रोग्राम देखा अभी लास्ट परफॉर्मेंस जो है उसमें वो थी, और सर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि सर ने क्या कहते हैं मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। हमने डेवलपमेंट रजिस्टर बनवाया है, वो आपसे उसके लिए रिटायरमेंट भी कर फिर कभी बातचीत करेंगे। आपका मुख्य इससे हमारा मेडिकल का है, ये लोग आ गए हैं। मैं सभी आप लोगों को थैंक बोलता हूँ कि आप आए हैं, अपना समय दिया, और जो अभी बाकी डॉक्टर साहब ने कह लिया उनको समझ दिया। थैंक यू। कोई अकेडमिक से अच्छा होगा तो कोई स्पोर्ट्स से अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में सभी इक्वल होंगे तो कोई क्रिकेटर कैसे बन जाता है। तो हर एक बच्चे का अपना अपना एप्टीट्यूड होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। एज अ पेरेंट आपका काम है पढ़ाई में बहुत एक्सेल करते हैं, तो कोई लोग कोई एज में करते हैं और जरूरी नहीं है तो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, स्टडी में भी इक्वली अच्छा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो गलत है। पहली बात ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे तो आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। आज आप आए भी सुनते हैं कि कई बार एक बच्चा पूरी एफर्ट के बाद चीजों को देखने का तरीका अलग होता है, दिमाग से कमजोर नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से आप बच्चों को समझ आता है उनको वो सीधी भाषा नहीं समझ आती, उसके लिए तरीका अलग होता है। हमारी कंपनी में लिखी वाले सेंटर हमने 5 साल पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया था टेंथ चैन, इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सोल्यूशन फॉर स्कूल, जहाँ पे हम बच्चे की पूरी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो और जनरल हेल्थ हो। उसके अंदर तक सबसे पहले हम स्कूल में मेडिकल रूम बनाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि जब बच्चा स्कूल में होता है तो वो हेल्थ के फ्रंट पे सिक्योर होना चाहिए। अब वो मेडिकल रूम वेरी गुड होते हैं जिसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होती हैं टू हैंडल एनी फर्स्ट एड और एनी कैजुअलिटी लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, नेब्यूलाइजर, इन सब चीज़ों के साथ हमारे मेडिकल रूम होते हैं। एंड इट इज टेकन केयर बाय अ क्वालिफाइड नर्स, एक क्वालिफाइड नर्स होती है जो बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। और हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें बच्चे की एक एक हेल्थ इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट करते हैं और पेरेंट्स घर बैठे अपने बच्चे की हेल्थ की जानकारी ले सकते हैं। हम एक हेल्थ इंफॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू पेरेंट्स के बच्चों की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या बच्चे को कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, कोई उनको एलर्जी तो नहीं है, सो दैट अगर स्कूल में कोई ऐसी प्रॉब्लम बच्चे को आती है तो नर्स के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो बच्चे को प्रॉपर केयर दे सके। डॉक्टर सिमी, आज के प्रोग्राम में माँ बाप ने क्या क्वेश्चन उठाया आपसे, कौन सी ऐसी बात उठाई है जो बच्चों के लिए दिक्कत है, मुख्य रूप से समस्या क्या क्या आ रही है? मैक्सिमम समस्याएं जैसे बच्चों को खाने से रिलेशन आज रिलेटेड पेरेंट्स को बहुत ट्रबल करना पड़ता है, बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ठंडा खाना
पूछा तो उस तरीके के क्वेश्चन थे जो की हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे थे। डॉक्टर सुंदरवन जी, आपने आज हेल्थ चेकअप का जो काम करवाया है और सेंटर स्टार्ट किया है, क्यों मन में आया आपके कि बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए? देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और हेल्थ इज वेल्थ। और एक स्पोर्ट्समैन अगर एक विद्यार्थी अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा तो बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। तो मेडिकल हेल्थ चेकअप जो है उसकी एक कड़ी हमने शुरुआत करी है कि स्वस्थ भारत के साथ साथ में हम अपने बच्चों को स्वस्थ शरीर का भी निर्माण कराने के लिए प्रोत्साहित करें। क्यों मन में आई आपके? सपोर्ट तो बहुत हैं, तो आपने क्यों मन में आया कि हमें बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जितने भी मीडिया वाले हैं, पेपर वाले हैं, कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, लिखा या देखता हूँ कि हमें खाने में ये इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ये केमिकल लगा हुआ है, खाना किस तरह खाना चाहिए, तो इन सब बातों को पढ़कर सुनकर और अपने बच्चों के प्रति जो मेरी समर्पण की भावना है और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे दी जा सकती है उसमें सबसे पहले स्वस्थ शरीर को हम करें, हम योग करें, हम फिजिकल एक्टिविटीज करें, तो उसके साथ साथ में एजुकेशन का स्तर अपने आप ही बढ़ जाएगा। और किसी भी देश के लिए अगर एक नींव मजबूत करनी है तो वो स्कूलों से होती है। अगर आपके स्कूल के माध्यम से आप अपने समाज को, देश को ऊपर उठाना चाहते हो तो उसमें सारी प्रॉपर जो एक्टिविटीज है, चाहे वो हेल्थ संबंधी है, चाहे वो खेल संबंधी है, चाहे वो संस्कार संबंधी है, संस्कृति संबंधी है, उनका अगर आप अच्छी तरह पालन करोगे तो बेहतर समाज और देश का भला। तो मेडिकल चेकअप के आपने बच्चों से कोई फीस चार्ज की है? ट्यूशन फीस के अंदर कोई चार्जिंग है या नहीं है? देखिए, हमारे ऑर्डर है CBSE के भी और डायरेक्टरेट के भी कि हम स्पेशल एजुकेटर रखें, हम मेडिकल सुविधा दें। हमने बच्चों से मेडिकल के लिए मात्र 500 रुपये पूरे ईयर के लिए दिए हैं, जबकि हमारा खर्चा लाखों रुपए पर मंथ का है और हम इसको बाय चेक पेमेंट देंगे। हमने इसमें पारदर्शिता पूरी दिखाई है, कोई भी इसमें हमने एडिशन पैसा इस तरह का स्कूल के प्रति नहीं दिया है। हमारी तरफ से स्कूल का एकोमोडेशन, बिजली पानी और छोटे मोटे खर्च हमने अपनी तरफ से किए हैं और जो हम बाय चेक पेमेंट करेंगे उसमें हमने बच्चों से भी एक दफे में कुछ पैसा दिया है, क्योंकि हम तो रसीद दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर स्टाफ आए, क्या वो ट्रेंड हैं या अनट्रेंड स्टाफ? डॉक्टर एक बहुत बड़ा इनका कंपनी है और ये ट्रेंड डॉक्टर हैं। बाकायदा सारा काम इनका नंबर एक में है, कोई कैश लेन देन नहीं है। आपने मेडिकल रूम देख लिया, सारा सामान इनकी तरफ से है। जो चीज़ हमने करनी थी, रूम तैयार करके देना था, कर्टेन देने थे, व्हाइट वाश कराना था, पत्थर लगाना था, फर्श करना था, वो सारा हमने करके दिया है। मारिया मुरटन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2221037 2111 638 9817 1848 9818 7152। हमारा फैक्स नंबर है 2111 0638। ईमेल आपके पास @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.dillyapm.com। हमारा आज का ये बड़ा न्यूज समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 118/श्री रामनगर स्वागत दिल्ली 32।